अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी होस्ट ईशा। आज मैं आपके लिए एक सिंपल सी रेमेडी लेकर आई हूं, जो आपके हाथों को गोरा नरम मुलायम करने में आपकी हेल्प करेगी। आप नॉर्मली ब्लीच तो घर पर करते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ब्लीच को कैसे वाइटनिंग ब्लीच बना सकते हैं। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लीच, 10 रुपये की ये ब्लीच है जो आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। आप चीनी का या शीशे का एक बाउल ले लें। अब इसमें मैं ब्लीच पाउडर ऐड करूँगी, मैंने सारे का सारा ब्लीच पाउडर इसमें ऐड करना है। दूसरी चीज़ जो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है ब्लीच क्रीम। जी, तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। अब तीसरी चीज़ जो मैं इसमें डालूंगी वो है लोशन। आप किसी भी कंपनी का लोशन यूज़ कर सकते हैं, इसे ना सिर्फ आपकी स्किन सॉफ्ट होगी बल्कि ग्लो भी करेगी। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जी, तो ये ब्लीच बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं अपने हाथों पर अप्लाई करूंगी। इसमें मैंने सारा पाउडर ऐड किया है। अगर आप फेस पर लगा रहे हैं तो आप हाफ पैक यूज़ करेंगे या उतनी क्वांटिटी में इसको यूज़ करेंगे जो आपकी जिल्द के लिए बेस्ट हो, क्योंकि फेस की स्किन नरम होती है, हाथ और पाँव की स्किन हार्ड होती है, इसलिए मैंने इसमें सारा पाउडर यूज़ किया है। अब इसको 15 मिनट तक अपने हाथों पर ऐसे ही रहने दें, फिर ठंडे पानी से अपने हाथ वॉश कर लीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरे हाथ पहले से वाइट और नरमो मुलायम हो गए हैं। इस ब्लीच से आपको अपने हाथों पर थ्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके हाथों पर जो डार्क बाल होते हैं वो इस ब्लीच से ब्राउन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर कोई रेडनेस नहीं हुई है, कोई एलर्जी वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसमें लोशन ऐड किया है जो मेरे हाथों को सॉफ्ट लुक दे रहा है। जी, तो नाजरीन, ये थी मेरी छोटी सी सिंपल सी रेमेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।